अपना आपस में सारे का विरोध है, पानी भी तो अग भी है, आसमान है तो धरती भी है, हवा भी है ना, सारे विरोधी तत् ने। तो जो एक तत् हैवी हों, हूँ 98 डिग्री तो साडा आम टेंपरेचर शरीर का चली जा रहा ना, 99 हों तो बुखार हो जाता। हर एक तत् उसने अपने सूत विच अपने हुक्म विच उसने परो के रखिया है। तो गुरु पिता जी कहते जी जंत सब वस कर दीने, सेवक सब दरबारे, जेड़े ओदे प्रभु परमात्मा दे सेवक ने, सिमरन करन वाले ने, आराधना करन वाले ने, बंदगी करन वाले ने, भजन करन वाले ने, बाणी गाउण बजाउण वाले ने, उहनां नूं उसने अपने दरबारे लाया होया, अपने कोल बिठाया होया। सतगुरु पिता जी कहिंदे ने हुणे आप जी ने सरवण कीता सी ना, सोर दा तेरा कहा सो घर कहा, जित वह सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते केते राग भरी स्यों कही है, केते गावन हारे, गावें तो हुनु पाउन पानी वै संतर, गावें राजा गज गाई जांदे ने। तो गुरु पिता जी कहिंदे ने जदों सचखंड गए ना गुरु साहब, गुरु नानक देव पिता जी, बाबा पैंदा सचखंड, नौनित नाम गरीबी पाई, भारी करी तपस्या, वड्डे भाग हर स्यों बने आई। गुरु साहब न भाई गुरदास जी कहते हैं वेद व्यास कुरबाणी दे, भारी करी तपस्या, फिर वो बने आई। फिर उसने कहा जा गुरु नानक, एक ओंकार का प्रकाश कर, जिहड़ी एक नाल दुनिया टुटी हुई है, एक नाल जोड़, बस एक तो पहला कुछ भी नहीं सी। सतगुरु पिता जी ने फिर सारे संसार नूं, ये नहीं सिखां नूं, सारे संसार नूं अपनी गोद विच अपनी झोली विच लै, जे हिंदू सी तो उन्होंने कहा भी चंगे कर्म कर, जे मुसलमान सी उन्होंने कहा सच्ची मुची मुसलमान बन। सिख तो जे पैदा होया शुरुआत गुरु नानक साहब तो हुई, तो दोहां कौमां दे झगड़े सन। तो ये गल फिर भाई गुरदास जी कहिंदे गुरु बाबा जी ने भी पूछया गया, कौन वड्डा मुसलमान जी, हिंदू वड्डा जां मुसलमान वड्डा? बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजू दोनों रोई। जे जिहदे इंसान दे शुभ कर्म नहीं, भावें वह हिंदू है तो भावें वह मुसलमान है, वह रोवेगा ही रोवेगा। इस करके सतगुरु पिता जी कहते हैं सेवक सब दरबारे, अंगीकार कियो प्रभ अपने पावनिद पार उतारे। अंगीकार जेड़े उदे बन जाते ना, वो अपनी अंगीकार छाती नाल ला लेंगे। किस तरह? जिस तरह गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद पिता जी ने लाया, अंगद देव पिता जी ने लाया, गुरु अंगद देव पिता जी ने गुरु अमरदास पिता जी ने लाया, अपना अंग अपना रूप अपना स्वरूप बख्श दिता। हुण कोई फर्क नहीं रहा, जिन्हां दे चरणा ते गुरु पिता गुरु अंगद देव जी ने मत्था टेकिया सी, अज आप बख्शिश कीती, आप रहमत कीती है, उन्हां दे हिरदे विच ज्योति स्वरूप आप बैठ के हुण आप मत्था टेकदे पए ने। आखो सतनाम। तो गुरु पिता जी कहिंदे अंगीकार, जिस तरह आपां गुरु साहब नूं हुण रमाला साहब दिंदे हाँ, गुरु साहब पिता जी अंगीकार करना पढ़ते कजने, इहो ही है। गुरु साहब जी उसनूं प्रेम दे नाल शरदा दे नाल, क्योंकि भावना दे नाल देवे, प्रेम पटोला तैं सह दिता, ढक्कण को पत मेरी, दाणा बिना साई मैंडा, नानक सार ना जाना तेरी। वैसे तो असं माण करते हाँ कि मैं तेनों रुमाला दिता, सोना सैट दिता, साडा तो कुछ भी नहीं, ये तन की दा तन ओदा दिता होया, माँ प्यो दा नहीं है। लखां ही ने दुनिया विच संसार दे विच जेड़ी माँ बच्ची माँ नहीं बन सकता, बंदा प्यो नहीं बन सकता, नेकां ही ने लखां ही ने जे गिनती करिए। यह सब रहमत उदी है, यह सारी बख्शिश उदी है, जे उन्हां दे बस होए तां ओह माँ प्यो ना बन सकन, औलाद ना पैदा हो सके, ऐसा नहीं है। यह सब कुछ उस प्रभु परमात्मा दे हाथ है, उहदे बस है, जिसनूं उह दात दे। ते मनुख कहिंदा लो आ 100 रुपए का रुमाला लियाया, मैं तेरे वास्ते लियाया। ते भगत रविदास महाराज कहिंदे तेरा की आ तुझे क्या अर्पूं, किहड़ी माण वाली गल है, किहड़ी एहसान वाली गल कीती मेरे वास्ते तूं, है तो सब कुछ तेरा दिता होया वाहिगुरु, मेरा मुझ में किश नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो सतगुरु पिता वाहिगुरु परमेश्वर सारा कुछ जानते, देखते हैं लिस्टा बन दियाँ,
लोग जो ना भरावा एको तरह कि हो जाए भुल जाए ग्रंथी सिंह भाई साहब तो वो बेचारे की फिर शामत आ जाती है कि तू मेरा ना नहीं लिया हों ऐसा ही है क्योंकि इस काम च निकलना पैंता गुजरना पैंता हों इदा ही है भी सुना किनू दसना किनू वो तो सब कुछ जानता उसने फुरना तो तेरे अंदर बनाया तू मेरे वास्ते रुमाला दे तू दान कर तू लंगर की सेवा कर तू भांड्या की सेवा कर दसना उन्हों नहीं दसना लोगों नू है कि मेरा ना हो बल्ले बल्ले पई सेवा की रुमाला फलाने ने चाड़िया क्योंकि मत दे पर्दा पै गया वो वाहिगुरु परमेश्वर सब कुछ जानता बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे की चै अरदास सतगुरु पिता जी कहते अंगीकार की ओ प्रभ अपने पावन दो पार उतार अपने आनू ओ अंगीकार कर लैंदा अपनी छाती नाल ला लैंदा है इत्थे बस नहीं ये लोग दे सुख भी दिंदा है हर एक चीज ओदे सामने रख दिंदा है इत्थे भी उन्हां दी मुक्ति करता दे गाह पावन दो ये पावजल तू हे पवजल दे निध प्रभु परमात्मा तू इस महान प्यान उद्यान नगर कर मानिया ये प्यान कि जिहड़ा संसार है इहदे विच जिहड़ियां छल्लां पै रहियां हन वाहिगुरु तुसी हो मनुख की बाह फड़न वाले अपने आनू सेवकां नू गुरमुखां नू संत जनां नू गुरसिखां नू जिहड़े तेरे करदे ने सिमरन बाणी पढ़दे ने किसी भी धर्म का होवे ओ परमेश्वर सारियां नूं जाणदा है अंदरों जाणदा है उहदियां थर थराटां नूं जाणदा है उहदे फोरनियां नूं जाणदा है जिस तरह भगत नामदेव जी दा गुरु पिता जी ने वाहिगुरु ने प्रभात शान है आप आके उहदी लाजपत रखी द्रौपदी की रखी अनेकां साखियां ने सैद खां की रखी भावें कि आए कलगीधर पिता जी नूं फड़न वास्ते कसम खा के आया कुरान की ओ दिल्ली विच औरंगजेब सभा विच मैं जींदा जानू फिर मुर्दा फड़ के लियावांगा मैं इत्थे भेट करांगा मैं कसम खांदा कुरान दी उहदी भैण रहिंदी सी संडोरे ना सी उहदा नसीरा उहदे घर वाला सी बुद्धू शाह जिसने सतगुरु पिता जी की बड़ी सेवा की उस वेले जदों कलगीधर नूं बड़ी लोड़ सी और जिस मुखी वह आया संडोरे आके भैण नूं मत्था टेकन लगा हाथ विच उसने जिस तरह आपां कड़ा पाया उसने गाना बनिया है वह मरना जा मारन दा कहिंदे वीरा ये की गल है दस हज़ार फौज तेरे नाल है तू चलिया कित्थे है लगता भी कितने युद्ध करन चलिया कहिंदा हाँ मैं युद्ध करन चलिया भैण मैनू आशीर्वाद दे कि मैं जित के आवां कहिंदे वीरा गाह लड़ाई तेरी किहदे नाल है किस नाल है तेरी कहिंदा वह कलगियां वाला जिहड़ा बनिया है सिखां दा फकीर मैं उन्हूं मुरदा जा जींदा फड़ के लियाना है अल्लाह अल्लाह लखी करन क्योंकि बंदगी करती सी ना पीर बुद्धू शाह भी आ गए कहन लगे की गल नसीरा बड़ी उच्ची बोली कहिंदे आ वेखो इहदी मत मर गई इहदी मत मर गई है उहनू फड़न चलिया है अल्लाह दे रूप नू स्वरूप नू अल्लाह दा नूर है वीर फड़ी ना मारी ना तू ते आप मर जाना है उन्हां दे चरणा विच जा डिग पाओ कहिंदे नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैनू बुझदल ना बना भैण मैनू आशीर्वाद दे मैं उहदे नाल युद्ध करां साध संगत जीए सैद खां गया सतगुरु पिता जी दे सनमुख दस हज़ार होर इहदी पेंडा मारदा होया उधर कलगीधर पातशाह नूं भी दस दिता जी वह आए ने आप जी नूं फड़न वास्ते जां मारना है जां मुरदा बना के तुहानूं लै जाना है कोई गल नहीं कहिंदे कि गुरु नानक दा घर है जो भी इच्छा लै के आउंदा है वो फल उहदी झोली विच पै जांदा है जिहा वेख है तिहा वेख तो सतगुरु पिता महाराज आप सैड दे ने उपर बैठे हुए ने लड़ाई होंदी है सिंघां दी मुसलमाना दी हिंदू भी ने विच सारा कुछ ही इदां रल मिल के क्योंकि जालम नूं मारना जुल्म नूं जड़ों पुटना यह गुरु नानक साहब तो शुरू हो गया भावें अज लोकी गल्लां करदे ने हुण बाबर नूं जावर कहण वाले भी तो गुरु नानक ही है ना इन्नी गल कहण ते उन्हां नूं जेल होई जेल दे विच उन्हां नूं चक्की भी पी सब कुछ किया गुरु अर्जन पिता जी का की कसूर सी गुरु ग्रंथ साहब तैयार करने ये कसूर सी उन्हां दी बाणी जिन्हां नूं लोकी ठुकराउंदे सन मारदे सन गली विच लंघन नहीं सी दिंदे खूह तों पानी नहीं सी पीण दिंदे पंगत विच संगत विच बहन नहीं सी दिंदे गुरु साहिब पिता जी ने उन्हां नूं अपने हिरदे विच बिठाया
आखो सत ना। बस इन्ना गुनाह सी ना सतगुरु का। तो गुरु अर्जन देव पिता जी कह लगे भी इन्हों के मुसलमाना धर्म की तुहीन की है, नहीं तो कुछ आयता कुरान दी ए लिखो। कहते नहीं असी किसी धर्म की तुहीन नहीं करते, ये सानू किसी ने सिखाया नहीं, असी सारे का आदर मान सत्कार करते हाँ। साढ़े वे वडेरे गुरु नानक साहब महाराज मक्के नहीं गए, मदीने नहीं गए, जगन्नाथपुरी नहीं गए, कितने कितने नहीं गए, उत्थे उत्थे गए जिथे जिथे कुरैता होंदियां सन, जिथे जिथे धर्म नूं दबाया जा रहा सी, धर्म ही उभर रहा सी, उस नूं खत्म करके सतगुर पिता जी ने गए जिहड़े बहम सन भरम सन उस नूं मिटाउण वास्ते। सूरज नूं पानी दिंदे सन, सदियां हो गईआं पानी झटी जांदे सन। गुरु साहब महाराज ये भी गए, तो जो गुरु साहब पिता जी करतारपुर नूं पानी झटना शुरू कर दिता, पंडित ने पूछ लिया आप जिहड़े सूरज नूं पानी पा रहे सन, कहन लगे इधर पानी, ये उल्टी चीज रीत क्यों चला रहे तुसीं, इधर पानी पाओ सूरज देवा ते इधर है। कहिंदे नहीं तुसीं सूरज देवे ते नूं पा रहे हो, ते मेरी करतारपुर मैं झोना ला के आया हाँ, वह सुख रहा मैं उन्हूं पानी झट रहा हाँ। कहिंदे करतारपुर केड़ा, कहिंदे पाकिस्तान च है, क्योंकि गुरु अर्जन साहब ने जो जलंधर के कोल करतारपुर साहिब है ये बाद विच वसाया उस ते ना ते, कहिंदे वह पाकिस्तान च है ते मैं उत्थे पानी भेज रहा हरिद्वार की गल है। कहिंदे उत्थे करतारपुर पानी भेज जाएगा, पुज जाएगा तुहाडा, झोने नूं पानी मिल जाएगा, तुहानूं फल मिल जाएगा। कहिंदे जे करतारपुर नहीं ये पहुँच सकता तो लखां योजन सूरज है उत्थे पहुँच जाएगा। केड़ा वधिया तरीका सी, विरोध नहीं किया, उन्होंने समझाया बड़े ढंग दे नाल, और गुरु साहब गुरु बाबा जी के चरणों में डिगे। आरती की गल सतगुरु पिता जी ने यह भी उन्होंने दसी किस दी आरती कर रहे हो, आरती ऑटोमैटिकली हो रही है प्रभु परमात्मा परमेश्वर दी राम दी वाहिगुरु जी दी। तो मैं दास बेनती कर रहा सी सैद खां ललकारिया चढ़िया घोड़िया ते ऐ संजो पाई हुई है बिल्कुल तैयार पर तैयार होके शस्त्र वस्त्र त्या के तैयार होके ललकारा मारिया। कहिंदे ना अपनी फौज मरा ना मेरी मार, ते आओ मेरे तेरे दे विच फैसला हो जाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे भले ठीक है भाई, तेरा ये फुरना ते भी पूरा कर देंगे। सतगुर पिता जी महाराज चढ़दी कला दे विच शस्त्र वस्त्र तैयार पर तैयार करके नीले ते सवार वाज कोल कलगी नीला जिगा शहनशाह दे शहनशाह सतगुर पातशाह महाराज जिले मदाने जंग विच आए। मदाने जंग विच आ के गुरु पिता जी ने कहा सैद खां असी एक बार करना, तू तीन करने ने, तू तीन करने ने, तेरे मन विच ना रह जाए, तू पहला बार कर फिर असी करांगे। वह कहिंदा क्योंकि उहदा भी बड़ा बड़ा तजर्बा सी, वह मदाने जंग दे विच समेत घोड़ सवार नूं अपने मोढ़ियां ते धर के भज जांदा सी, एडा सूरमा सी, वह भी सूरमा सी। कलगीधर पातशाह महाराज कहिंदे सैद खां कर लै तू अपने मन की तुम ही कर लै। इसने जिस मौके तीर खिंचया उधर नसीरा अरदास करती है, ए कलगीधर पातशाह इसनों तीर की मार ना मारी, तेरे तीर असमान पाड़ देने पहाड़ सुट देंदे ने, ओ तीर मार जेड़ा मैनू मारिया, ओ तीर मार जेड़े मेरे घर वाले नू पीर बुद्धू शाह नू मारिया, मेरे बच्चियां नू मारिया, तेरे मुरीद हो निबड़े, ओ तीर मार तेग नू हाथ पाई। सतगुरु पिता जी ने होर अरदास कर दिया नसीरा, हुण जेड़ा ये सैद खां सी इहदा कोई हाई वाई नू, उहदा तीर तां छड्डे बड़ा कुछ किया, पैंतड़े पुतड़े बदले, कलगीधर पातशाह है पै काहू को देत नह नह पहमानत आन ना भैन दे ना पहमन देने। कलगीधर पातशाह महाराज घोड़े तो उतरे थले, ये सैद खां अपने सारे शस्त्र वस्त्र सैड से करके ड्रम करता होया कलगीधर पातशाह महाराज के चरणा च डिग गया। महाराज बख्श लो भुल होगी जी, 10,000 फौज आई सी नाल, उसने दसे देखिया सुनिया भी साडा सरदार वो चरणा च डिग पिया, जिन्हों मारन वास्ते आया सी, जिन्हों बंदी बना आया सी, वो भज डिगले, तो यह ना हो भी यह रल मिल के साडे ते हमला बोल। उन्होंने जाके फिर औरंगजेब नूं दस्या भी जिहड़ा तू सरदार जां कुरान की कसम खा के आया सी वो तो उन्हों का मरीद बन गया, उत्थे जाके बदल गया। तो साध संगत जी
जिनी देर तकरीबन कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहब 28-29 साल रहे वो उत्थे रहा। उस तो बाद धर्मशाला चले गया। मैं उन्हां दी जगह देख के आया सैयद खां दी, वह बड़ा कामल फकीर होर ने पढ़िया, बड़ा कामल फकीर दुनिया। एक पता नहीं मैंने दिन भुल गया, उस साल में एक मेला लगता उन्हां दी याद में धर्मशाला दे विच, ते जिन्हां नूं वह अंगीकार कर लैंदा है इत्थे भी सुख दिंदा है, गाह भी दिंदा है, वह भौजल तो भी पार कर दिंदा है। सतगुर पिता जी कहिंदे ने, अगली पंक्ति आप जी ने सरवण कीती है, संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपा निध पूर्ण खसम हमारे। ये आप जी ने पंक्ति सरवण कर ली है ना, ये राहो वाली पंक्ति है। राहो आओ बैठ आदर सब थाई, ऊन ना कत हूं बाता। जेड़े ओदे बन जाते ने प्यारे सिमरन करन वाले, आराधना करन वाले, बंदगी करन वाले, बड़े बड़े दुनिया च बैठे ने ऋषि मुनि घर दे विच गुप्त बैठे हुए, जेड़े बाणी पढ़ते ने, जेड़े सिमरन करते ने, आराधना करते ने। हर एक धर्म सिखाता है आपस में प्यार रखो, बंदगी करो, कर बंदे तू बंदगी, कीचर घट में सा। जदों तक तेरे विच सा चलता है, हिंदू भी यो मत कहता, मुसलमान भी यो मत कहता, तस्बीह रखते ने, माला फेरो, लेकिन जिया का पाप ना करो, हेरा फेरी ना करो, झूठ ना बोलो, सच बोलो। यही ही गुरु नानक का मिशन भी यो गल कहता, झूठ ना बोल पांडे सच कही है। तो गुरु पिता जी बख्शिश करते हैं, जेड़े प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं उन्हों का फिर सत्कार किन्ना होंदा। कहिंदे ने जदों धर्मराज कोल जांदे ने, वैसे तो कोई मनदे नहीं ना जी, कुछ भी नहीं है, है ही कुछ नहीं, बस नहीं, ऐसा नहीं है। बाणी जुगो जुग सच है, इहदे विचों एक भी अखर ना कन्ना मात्र झूठा नहीं हो सकता। गुरु पिता जी कहिंदे अग्गै दोज के तपिया, ये फरीद साहब का श्लोक है, अग्गै दोज के तपिया सुनिए हूल पवै है कहा। कहिंदे बड़ी मार पै रही है, दोज के तपिया होया, दोज के नरक नूं कहिंदे ने, फारसी का शब्द है। तो कहिंदे कईआं नूं साड़िया जा रहा, किसी नूं चीरिया जा रहा, किसी नूं भुन्निया जा रहा, किसी नूं तलिया जा रहा, नेकां प्रकारां दी सजा। अग्गै दोज के तपिया सुनिए हूल, बड़ा हाहाकार मची हुई है। सतगुरु पिता जी की बाणी कहिंदे फरीद साहब के श्लोकां च, अग्गै दोज के तपिया सुनिए हूल पवै काहा, एक ना नूं सब सोझी आई एक फिर दे वे परवाह। एक ना नूं सोझी आई उठ बैठे वे भाई, ये जीवन का एक साध है, वो फिर झूठ नहीं बोलते, हेरा फेरी नहीं करते, सच बोलते हैं। तो गुरु पिता जी की बाणी वो कहते फरीद साहब की बाणी है, बोली है सच धर्म झूठ ना बोली है, जो गुर दसे बाट मुरीदा जोली है। बाट कहते रस्ते नूं, कहते ने जो फिर गुरु दसदा ना उस रस्ते ते चल पाओ, किरत कर नाम जप बंड के शक। ये सुंदर उपदेश जगत गुरु गुरु नानक साहब का है। तो गुरु पिता जी बख्शिश करते हैं, रहमत करते हैं, आओ बैठ आदर सब थाई, जेड़े उदे बन जाते हैं फिर उन्होंने वह आए जी आखदा है। जिस तरह साढ़े घर कोई मेहमान आन, आप लिख के भी लिख ला दें हाँ जी आया, अपने को टाइम नहीं लिखा होया, आया आने वाला जरा समझ ही लेंदा भी सारे जी आया लिखा होया। तो गुरु साहब कहिंदे भी जदों प्रभु का प्यारा भगत संत जन गुरमुख भगत उहदे कोल जांदा है, उन्होंने आदर मिलता है, माण मिलता है, सत्कार मिलता है, सब थाई, इत्थे नहीं सब थाई उहदी जय जयकार होंदी है। जिस तरह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे ने, है सब जग प्यो जय 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 सुर लोग। उत्थे भी जिदा दिल्ली दे विच गुरु पिता जी ने सीस दिता, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो वड्डो कलू मैं साखा सीस दिता। गुरु पिता जी ने विचार नहीं बदले, सीस दे दिता। कहिंदे फिर उत्थे भी जय जयकार होई, है कार ते मची मची इत्थे। कहिंदे फिर जय जयकार ओ देवतियां ने, महापुरखां ने, सुर नरां ने फुल वरसाए, गुरु पिता जी आए किसी दी धर्म दी राखी करदे आ। आओ बैठ आदर सब थाई,
ऊन ना कत हूं बात ऊन कहते के भी प्रभु की बनाई हुई गल कोई ऊन ताई नहीं कर सकता। दिन क्यों बनाया नहीं कर सकता, रात क्यों बनाई नहीं कर सकता, प्यार क्यों बनाया नहीं कर सकता, बाणी क्यों बनाई नहीं कर सकता, इना ते कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकता। नहीं करता है तो वह मनुख नहीं है, वह अज्ञानी है, बेसमझ है, उसनू समझ नहीं है। ऊन ना कत हूं बात किसी भी बात दे विच किसी भी काम दे विच जो परमेश्वर ने बनाया होया है ना। हुण देखो ना फुल पे है, फुल प्रभु परमात्मा की पैदाइश है, ये बनाए ने बिच आप बैठा है, खुशबू धार के इन्हां विच बैठा है। आपां गुरुद्वारा बनाया, नेकां बिल्डिंगां बनाईयां, नेकां पुल बनाए ने, अनेक ही दे विच बनाए हुए ने दुनिया के। भांडा कमियार बनाउंदा है, भांडे विच नहीं बैठ सकता। जिहड़ा उसने भांडा बनाया है, पहला भांडा बनाया फिर आप विच बैठा है। सतगुरु गुरु नानक साहब आदि बाणी है, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ, दूई कुदरत साजे कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ, तू जान ओही सब सह दे लैसे जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। आसन बछा ला वो अंदर बैठा होया है, तो सतगुरु पिता बख्शिश करते ने, आओ बैठ आदर सब थाई, ऊन ना कत हूं बाता, भगत सिर पाओ दियो जन अपने। आपा देखते हाँ गुरुद्वारियां दे विच, मंदरां दे विच, मसीतां दे विच, जदों कोई बाहरों आवे, प्रचारक आवे, ज्ञानी आवे, पंडित आवे, मौलवी मौलाना आवे, तो उन्हू सरोपा देंदे ने हजूरिया, जिसनों आपां कहिंदे हाँ, आपां दिंदे हाँ। कोई बाहरों ज्ञानी जी आण, कथा करन वाले आण, कीर्तन करन वाले आण, बाणी पढ़न वाले आण, कोई बाहरों होर कोई सियाणा आवे, उसनू गुरु घर वल्लों सरोपा दिता जांदा है, ते माण सत्कार है। एक गुरु पिता जी कहिंदे ने ओ अपने भगत जना नू, अपने प्यारिया नू वाहिगुरु सरोपा दिंदा है। वह कादा दिंदा है? भगती का। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। भगत सिर पाओ, अपने भगतों नू, प्यारिया नू, गुरमुखा नू, संत जना नू वह भगती रूपी सरोपा वो गल विच पा दिंदा है। जन अपने, जन सेवक, जन अपने अपने प्यारे दे सेवक दे। प्रताप नानक प्रभ जाता, क्योंकि ये जड़ा प्रभु परमात्मा ने बख्शिशा कीतियां उहदा प्रताप ऐसा बन जाता है, ऐसा दुनिया के विच भगत प्रगट करे भगत वड्याई। भाई गुरदास जी कहिंदे ने सैण वास्ते कहिंदे फिर उहनां दा जड़ा प्रताप है ना, हुण भगत रविदास जी नूं कोई नहीं सी जाणदा, जुटियां दे हर कोई कंढदा, अज भी कंढदे ने, अज भी केस कटदे ने, कपड़े अज भी धोंदे ने, अज भी रंगदे ने। जे ओह केस कटदे सन ते नाल जिहड़े अंदर बेकार सी उहनां नूं कटदे सी, जे कपड़े धोंदे सी ओह भगत नामदेव जी अंदरों बेकार धो देंदे सन। भगत रविदास महाराज जी जोड़े सीउंदे सन, जोड़े सीउंदियां सीउंदियां उहनां दे मन भी सी देंदे सन भगती दे नाल। आखो सतनाम। ਇਹ ਸੀ ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿਰ ਪਾਓ ਦਿਓ ਜਨ ਆਪਣੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਆਚਰਜ ਖੇਡ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਅਦਬ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਰਾਮ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਲੋਗਾ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਏ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਿਹੋ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਇਹ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਕ, ਖਾਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਵਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ
तीन ही प्रभ पाए तो आओ गुरु पिता जी वाहिगुरु जी साढ़े देवी कृपा कर दो चार मिनट आपां सिमरन कर लिए। सतगुरु पिता जी कृपा करन साथ देना, जिस दास का गला भी ठीक नहीं है, थोड़ा जा शरीर ठीक नहीं, गुरु कृपा करन जी। भुला चुका लिखे मां वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धनवाहे गुरु वाहे करो कृपा सारे।